तुम्हें तो पता नहीं होगा सब क्या करते हैं सारा मिस्टेक निकल सारे छोड़ दिए रिलीज में तो छोड़ दिए छोड़ दिए लेकिन रिजल्ट निकाल नहीं छोड़े हाँ रिजल्ट उसके रिजल्ट नहीं पड़ा वो समय नहीं पाया होगा हम क्यों कर रहे हैं। शुभ प्रभात सम्मानित मित्र साथी बंधुआ, ये हरदोई जनपद के कर्मठ यशस्वी एवं सहज हृदय के प्रति हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं आदरणीय डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी। उन्हें कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, जोड़ों में थोड़ा सा दर्द रहता है, जिसके कारण आप प्राकृतिक चिकित्सा उपचार करवाने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। मैं आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस आपकी सेवा में इस समय पर उपस्थित हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले स्नेह मार्जन किया गया है। स्नेह का तात्पर्य होता है तेल, और इसके पश्चात ठंडी और गर्म सेंक दी जा रही है। ठंडी गर्म सेंक का और स्नेह मार्जन का साथ साथ में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तैल मार्जन से शरीर में नरमी उत्पन्न होती है और ठंडा और गर्म सेंक से शरीर में प्रसारण और संकोचन होता है। गर्म सेंक शरीर को प्रसारित करती है, 3 मिनट गर्म सेंक करने के पश्चात 1 मिनट ठंडी सेंक करते हैं, जिससे संकोचन होता है। संकोचन जल्दी होता है, प्रसारण थोड़ा सा विलंब में होता है, शरीर को अगर ध्यान दें तो। इस तरह से ठंडी गर्म सेंक करते हुए मठ थेरेपी का प्रयोग करते हैं। शरीर में कहीं पर अगर कोई गांठ है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मठ थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सर पहले भी इस थेरेपी का प्रयोग करवा चुके हैं, नियमतः यह थेरेपी प्रतिदिन होनी चाहिए जब तक कि रोग का शमन ना हो जाए। यदि प्रतिदिन नहीं हो पाती तो एक दिन छोड़कर होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी को अपने औषधीय गुण के द्वारा जो भी विजातीय तत्व हैं उनको निकालने का समुचित समय मिल पाए। इस तरह से बहुत ही जल्दी नेचर चिकित्सा के द्वारा शरीर के अंदर कोई भी दर्द या गांठ है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। सर को यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवाना जो है इसमें गर्म मिट्टी है, क्योंकि गांठ को गलाने के लिए गुनगुनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, मिट्टी को गुनगुना करके प्रयोग किया जाता है, जिससे कि गांठों को जल्दी गलाया जा सके। आज जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम गर्म मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है इसकी मोटाई कम से कम 0.5 से 1 इंच होनी चाहिए, 0.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो शरीर के अंदर विजातीय तत्व मौजूद होते हैं उनको पूरी तरह से निकालने में ये मिट्टी कारगर रहे, असरदार रहे। इसलिए मिट्टी की जो पट्टी लगाई जाती है या लेप किया जाता है इसकी मोटाई 0.5 इंच से अधिक ही रखी जाती है। यह मिट्टी की पट्टी लगभग 0.5 घंटा से 45 मिनट लगी रहनी चाहिए। यद्यपि मिट्टी की पट्टी 2 तरह से रखी जाती है, एक गर्म होती है और एक ठंडी होती है। यहाँ पर गर्म मिट्टी का प्रयोग आज किया जा रहा है, जिससे कि नसों को अच्छे से नरम किया जा सके, और उसमें यदि कोई ब्लड का थक्का जमा हुआ है, रक्त का थक्का जमा हुआ है, तो उसको आसानी से गलाया जा सके। नेचर चिकित्सा को प्राप्त करने के लिए प्रायः सुबह का समय ज़्यादा उपयुक्त रहता है, उचित रहता है, जो कि आज सर सुबह सुबह ही आए हुए हैं, और इसके लिए खाली पेट भी आना चाहिए। और पेट पर अगर चिकित्सा दी जा रही है तो निश्चित रूप से खाली पेट ही होना चाहिए। यहाँ पर समस्या पीठ में ज़्यादा है, तो इसलिए पीठ पर मठ थेरेपी की जा रही है, और इसके साथ साथ में अभी हम आपको शीतल मतलब ठंडी थेरेपी मटकी देंगे, जो कि पैरों पर दी जाएगी। हमेशा एक चीज़ का याद रखना चाहिए कि अगर भाप स्नान भी दिया जा रहा है, स्टीम बाथ दिया जा रहा है, जो भी है, यदि गर्म दिया जा रहा है तो पैरों को हमेशा ठंडा और सर को ठंडा रखा जाता है ऐसी अवस्था में, जिससे कि शरीर में कोई बहुत ज़्यादा विजातीय हलचल ना उत्पन्न हो पाए। इसलिए ठंडा और गर्म दोनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर गर्म पट्टी लगाने के बाद में इसको हम ढकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा
जगह पर है और ये अच्छे से अपना काम भी कर रही है। अब इसी के साथ अब हम आपको ठंडी मिट्टी की पट्टी पैर के तलवे पर लेप करेंगे। गर्म मिट्टी की पट्टी लगाने के बाद में यहाँ पैर के तलवों पर शीतल मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि शरीर को शीतलता प्रदान करेगा और शरीर के ताप को नियंत्रित रखेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गर्म थेरेपी से जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो पैर के तलवों में अगर हम लगाते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई और लो ये जो समस्या होती है उसको ये सम रखता है, ना हाई हो पाता है और ना लो होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी गर्म थेरेपी दी जा रही है तो उसके साथ साथ में मस्तक पर और पैरों पर ठंडी थेरेपी भी ज़रूर देनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सदानंद गुप्ता, मैं वर्तमान में सिटी नगर मजिस्ट्रेट हरदोई के पद पर तैनात हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अनेकों वर्षों से मैं कमर दर्द और सर्वाइकल के पेन से ग्रसित था और अचानक ही मेरी मुलाकात यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र सरस जी से हुई, जिन्होंने मेरे शरीर की कायाकल्प किया है और वास्तव में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे जो मिला है। पहली बात तो सब कुछ डिराइव होता है नेचर से, नेचर से ही सारी दवाइयाँ बनती हैं, सारे व्याधियों को दूर करने का अगर कोई यंत्र तंत्र और सारी जो पावर है वो सब नेचर के पास है। तो इन्होंने हमें बताया कि नेचुरल तरीके से नेचुरल थेरेपी से पूरे शरीर को कैसे डिटॉक्सिक किया जा सकता है, टॉक्सिक को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। आपके यहाँ मैं तरह तरह की के उपचार करा रहा हूँ, जैसे सबसे महत्वपूर्ण उपचार आपका मड थेरेपी है, फिल तेल मार्जन है, साथ ही साथ आप गर्म और ठंडे पानी का जो है आप जो है सेक देते हैं और भी अनेक तरीके से आप हमारा इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछले एक महीने में 30-40% जो है मतलब आराम मिला है। और इसका कारण है कि मैं ही टाइम से नहीं आ पाता, सप्ताह में एक बार ही आ पाता हूँ, और कोई अगर नेचुरल तरीके से नेचुरल थेरेपी को कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है कि वात पित्त कफ जो कि तीन चीज़ों को बैलेंस किया जाता है शरीर में, वो नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पूरे जीवन में एनर्जी आ सकती है, आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ठीक होते हुए देखा भी है। और आप लोग यहाँ लोग आते हैं जो जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं उनको लाया जाता है और एक सप्ताह में वो चल के जाते हैं यहाँ पर। मैं आपके इस सामाजिक और इस तरह से नेचर के प्रति जो आपका आपका जो मतलब सहयोग है और जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं भी ठीक होकर के यहाँ से जाऊँगा। तो जितने व्यूअर्स हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो मित्रगण हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फ़ायदा आकर के लें, आप जो डॉक्टर साहब बताते हैं उसको अमल में भी ला करके अपने जीवन में खुशहाली बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हल्का सा मार्जन करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल बत्ती बत्ती से बनकर छूट रहा है और ये मार्जन शरीर को बहुत ही ज़्यादा आराम देता है, शरीर की कांति भी बढ़ाता है, शरीर के अंदर विजातीय तत्वों को भी नष्ट करता है। इस मार्जन का नेचुरोपैथ चिकित्सा के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है। ये सिर्फ मिट्टी से ही नहीं अपितु बालू से भी किया जाता है, सूखी मिट्टी से भी किया जाता है। ये गीली मिट्टी से है, एकदम सूखी मिट्टी को कपड़े से छान लिया जाता है और उस कपड़े से छनी हुई सूखी मिट्टी के द्वारा भी इस तरह से मार्जन किया जाता है। मार्जन करने के बाद में देखेंगे शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा, स्फूर्ति होती है और बस ये ध्यान रखना है तत्काल नहाना नहीं है, तुरंत स्नान नहीं करना है, कम से कम आधा घंटा रुककर धूप में बैठकर स्नान धूप में शरीर को एक बार सिक जाने देना चाहिए। उसके बाद में छांव में जाकर शरीर ठंडा हो जाए, 15-20 मिनट बीत जाए उसके बाद में स्नान करना चाहिए और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का स्फूर्तिवान
और सुंदर दिखेगा। आपका देखिए स्नेह मार्जन जब हो गया, ये मठ मार्जन हुआ है तो आपका शरीर कितना दिव्य लग रहा है। सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सरस आप सभी का स्वागत करता हूँ सरस नेचुरोपैथी आरोग्यशाला में। यहाँ पर हरदोई सिटी मजिस्ट्रेट साहब डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी इस मठ थेरेपी को देते हुए आपको सामने दिख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो इनको स्नेह मार्जन दिया गया है। स्नेह मार्जन का मतलब होता है तेल, स्नेह तेल को कहते हैं। तो तेल मार्जन करने के पश्चात यहाँ मठ थेरेपी इनको दी गई है। इसका मुख्य कारण रहता है कि विजातीय तत्वों को बाहर निकालना। संपूर्ण मठ थेरेपी इनको इसलिए दी जा रही है कि सर्वाइकल पेन, पीठ में दर्द, बाजू में दर्द, कमर के पास में दर्द और कमर के नीचे के हिस्सों में भी जैसे घुटना, पिंडलिया आदि, इनमें भी दर्द है तो इसके लिए मठ थेरेपी दी जा रही है। मठ थेरेपी कैसे काम करती है कि सबसे पहले स्नेह मार्जन जो दिया गया है उससे शरीर को गर्मी प्राप्त हुई है और तैल जो होता है शरीर को नर्म करने का कार्य करता है। नर्म शरीर से और जो मार्जन होता है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे पसीना अर्थात श्वेद बाहर आता है। तो तैल थेरेपी या स्नेह मार्जन से घर्षण उत्पन्न होने पर जो पसीना आता है उसको श्वेद मार्जन कहते हैं, वो साथ में ही हो जाता है। इसी के लिए स्टीम बाथ भी करवाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, तत्पश्चात शरीर को शीतल बनाने के लिए और जो विजातीय तत्व बाहर तक आए हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो तत्व होते हैं विजातीय वो बाहर आना शुरू कर देते हैं, पसीने के माध्यम से जो तत्व बाहर तक नहीं आ पाते हैं उनको मिट्टी अवशोषित करने का कार्य करती है। तो इसके लिए मठ थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मक्खन के समान मुलायम, नरम और कोमल मिट्टी को और जो मिट्टी तैयार की जाती है ये प्रायः औषधीय जल, इसमें या तो नींबू या नीम की पत्तियों से तैयार किया जाता है इस मिट्टी को। इसका जो माड़ बनाया जाता है इस प्रकार से बनाया जाता है जो कि शुद्ध और पवित्र रहे। यहाँ पर शुद्ध और पवित्र जो शब्द अपनाया गया है इसके दो तात्पर्य। शुद्धता का तात्पर्य होता है कि जो भी चीज़ें मिलाई जा रही हैं उनकी अपनी गुणवत्ता हो, और पवित्रता का तात्पर्य है कोई गंदगी इसमें बाहरी ना हो। इस तरह से ये मिट्टी तैयार करके इसका लेप किया जाता है। अब यह लेप लगभग 35 से 45 मिनट तक लगा रहना चाहिए। जब यह हल्का हल्का सा सूख कर चटकने लगता है तो इसको हाथ के रगड़ देकर साफ़ करना चाहिए। उसको कहते हैं ये मठ थेरेपी के बाद में जब आप रगड़ कर इसको निकालेंगे तो उसको बालू घर्षण या मिट्टी घर्षण के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी को तैयार करने के लिए इसमें एक तिहाई अंश बालू का भी रखा जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि घर्षण करते समय बालू का अंश त्वचा पर जब आए तो उससे घर्षण में शरीर को कोई भी हानि ना पहुँचे अभी तो उसका लाभ प्राप्त हो। तो इस तरह से घर्षण से त्वचा एकदम चमकीली हो जाती है और त्वचा पर विजातीय तत्व जो होते हैं वो सबके सब छूट कर मिट्टी में चले जाते हैं। इस मिट्टी को फिर हटा दिया जाता है और फेंक दिया जाता है या फिर 40 दिनों तक सुखाकर तैयार किया जाता है दोबारा से। तो इस तरह नेचुरोपैथी चिकित्सा के अंतर्गत बिना किसी औषधि को खिलाए विजातीय तत्वों को शरीर के बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, न कि शरीर के अंदर उसको दबाना या ख़त्म करना। नेचुरोपैथ जो पद्धति है यह कार्य करती है एक रोग और एक उपचार के सूत्र पर। शरीर के अंदर सिर्फ एक ही रोग है और उसका एक ही उपचार होता है। सिर्फ एक रोग होता है शरीर के अंदर वह तत्व पहुंचना जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं, और उनको निकालने का कार्य सिर्फ षटकर्म होता है। और षटकर्म में सबसे पहले स्नेह, स्वेद, स्वेद के बाद में आपका यही मठ स्नान, वमन और बस्ती आदि, इनका प्रयोग किया जाता है। परंतु जैसे जैसे रोग की अवस्था होती है उसी के अनुसार उतनी चीज़ों को देना आवश्यक रहता है।
तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे मुख्य ज्योति बहुत अच्छी बढ़ती है। एक सप्ताह में आपको लगेगा कि चश्मे की आवश्यकता नहीं। जल के द्वारा किया जाता है पानी से नहीं। जल में तो सोच रहे हो है ही अच्छे वो तो पानी में आँखें डाल कर दिया जाता है। पानी के अंदर आँखें डाल दी जाती है। पानी के अंदर गर्मी उसका एक छोटा सा तरीका है वो आपको बता देंगे। स्नान करने से पहले तुम्हारा जो नमक वाला तो उन्होंने कहा कि अभी तो लखनऊ थे तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि शिव जी का वास कहाँ है। यदि धरती पर है रविवार को तो रविवार को हो जाएगा। वहाँ इतने रुद्राभिषेक में शिव जी का वास देखा जाता है। सर एक नहीं आपने बोला था ना रुद्राभिषेक और कथा के लिए कथा तो चाहे जब की जा सकती है परंतु रुद्राभिषेक चाहे जब नहीं। जैसे मंदिर में बैठे पंडित इनको तो चाहिए पैसा तो ये तो करवा देते हैं इसीलिए प्रतिफल नहीं बढ़िया मिलता है। अच्छा प्रतिफल अगर प्राप्त करना है बहुत ज़्यादा जो है उनको थोड़ा सारा साथ है नर्सिंग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको मार्केट जाना है तो ले जाके मार्केट में करा देना। एक घंटा चला जाए तो उनको मार्केट करा रहा हूँ। दो मिनट में पहुँच जाओगे खरीदना। पिताजी को प्रणाम सादर प्रणाम। नाग देवता आपके घर में बैठे हुए हैं इसमें देखिए आप तो दिखाइए भाई अरे वैसे तो रोज ही देखो भाई सौभाग्यशाली हैं आप पिताजी आप लोगों का कुछ आशीर्वाद बहुत सौभाग्यशाली है। नर्सिंग को हमने भेज दिया है और यहाँ एक घंटा टाइम लगेगा तब तक वो आपको मार्केट करा के स्वामी जी ले आएंगे। प्रणाम।
कोई बात नहीं, तब तो बस में वेट कर लेंगे। हेलो, हाँ देखा सर जी, सारी गलत नहीं आती क्या रोहित जी? जो छुट्टी लिया गया जी, छुट्टी लिया था क्या उसने रजत ने? तो आप कहें दोनों काम सच्चाई कथा और ये का नाम रुका भी जी, तो ये सावन में कथा धोती नहीं है सच्चाई। वही भाव वाली बात हमने आपको बताई थी सर, जब गए थे नहीं देखे। आपको पता मेरा जो गाड़ी है उसकी आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस यहाँ पर हरदोई के भी किया जा सकता है। बस तरीका यह होना चाहिए कि इसका नियमित रूप से पालन किया जाए। सही तरीके से अगर कार्य हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही मिलता है। मिट्टी शरीर के विजातीय तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करती है और ये मिट्टी का अपना गुणधर्म होता है। कहीं पर भी जब मिट्टी होती है, मिट्टी तो और उसमें कोई विजातीय तत्व या दुनिया का कोई भी तत्व आप डाल दें, प्लास्टिक आप छोड़कर, लेकिन एक समय के बाद प्लास्टिक को भी वो नष्ट करती है, बस समय अधिक लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मिट्टी हर चीज़ को नष्ट करके मिट्टी में ही मिलाती है। तो इस तरह से जो शरीर में विजातीय तत्व होते हैं जो शरीर को हानि पहुँचाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए मिट्टी का लेप लगाया जाता है। कार्य कैसे करते हैं ये बात मैं कई एक वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि ठंडा और गर्म जब सेंक दिया जाता है उससे शरीर में हलचल उत्पन्न होती है, प्लस नाड़ियों में संकोचन और प्रसारण होता है, जिससे अंदर अगर कोई रक्त का विकार है, कोई थक्का जमा हुआ है या जो मांस और रक्त है एक साथ मिलकर में गांठ उत्पन्न करता है, उस गांठ को वो संकोचन और प्रसारण के कारण नरम कर देता है। तेल की मालिश जो होती है उसमें और नरमी लाती है। तो इस तरह से जब त्वचा नरम हो जाती है तो उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती है, जिससे कि मिट्टी को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात मिट्टी कम ऊर्जा को देकर और अधिक से अधिक विजातीय तत्वों को खींच लेती है, क्योंकि त्वचा हमारी नरम हो चुकी होती है। इस तरह से मिट्टी कार्य करती है और निश्चित रूप से मिट्टी कार्य करती है। बस ये हो सकता है कि जिस तरह के रोग की अवस्था होगी उस तरह से इस थेरेपी को ज़्यादा बार देना पड़ सकता है। तो ये जानकारी भरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करके प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, यहाँ पर हरदोई नगर सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं मठ थेरेपी की गई थी और मठ थेरेपी के बाद में
अब यहाँ पर मार्जन हो रहा है इसका, मतलब ये इसमें जो बालू का अंश होता है पंक मार्जन, जिससे शरीर एकदम से फुर्तीला हो जाता है। मार्जन करने पर ये देखिए बाती जैसी बनकर और साफ साफ हो जाती हैं, ये छूट जाती हैं, ये सब पूरी पड़ी हुई है यहाँ पर। इस तरह से आप जब देखते हैं तो देखिए शरीर एकदम साफ हो गया है। कई बार क्या होता है पंख लगने पर, कीचड़ लगने पर या मट थेरेपी करने पर वो चिपकी रहती है शरीर में, तो वो चिपकी नहीं रहती है, इसको रगड़ कर ही साफ़ करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, जिससे कि मार्जन का मतलब होता है साफ करना, मांजना। मार्जन शब्द मांजने से बना है और मांजने का तात्पर्य होता है जब कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती है तो उसको हम मांजते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम शरीर कैसा, त्वचा लाल हो रही है और लाल होने का तात्पर्य है कि इसका अच्छा से मार्जन हो गया है। अब मार्जित शरीर पर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हल्का सा स्नान करवा देना है अथवा इसको अब बढ़िया से मार्जन करके गीले कपड़े से पोंछ कर एक बार फिर से स्नेह दे देना है, तेल दे देना है, क्योंकि मार्जन करने से शरीर एकदम से सूख जाता है। मिट्टी जो होती है वो संपूर्ण विषक्त तत्वों को खींच लेती है। अब यहाँ पर इनका शरीर मार्जित होकर जो है अब जब ये तैयार हुआ है तो इनका अनुभव जो होगा एकदम हल्का हल्का सा होगा, पूरा हल्का फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। अभी आप यहाँ पर देखिएगा पैर में भी आप सब ऐसे हो जाइए थोड़े से। अभी ये पैर मार्जन करना है तो पैर मार्जन में ये देखिए बिल्कुल कीचड़ सा पूरा लगा हुआ है और जैसे जैसे इसको आप करेंगे ये सब एकदम बाती बनकर छूट जाएगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये बाती बन बन करके छूट रहा है, जैसे कि आपका बेसन आदि का जो माड़ लगाया जाता है उस तरह से ये छूटता है। हालांकि जहाँ पर ज़्यादा बाल होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ देता है छूटने में, लेकिन अगर सही समय पर छुड़ा दिया जाए तो एकदम से पूरा साफ छूट जाता है। तो इस तरह से मार्जन करते हुए इसको छुड़ाना चाहिए, जिससे कि शरीर में पूरी रगड़ पैदा हो जाए और शरीर में एक ऊष्मा और गर्मी आ जाए। इस तरह से मार्जन करके ही इसको छुड़ाया जाता है, जिससे कि पूरी जिसको कहते हैं कि मालिश हो जाना अपने देसी भाषा में, तो पूरा एक मालिश हो जाती है। और मालिश आपने सुनी होगी काहे से होती है, प्रायः तेल से की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है मिट्टी से मालिश की जा रही है, बालू मिश्रित मिट्टी जो होती है इससे ये मालिश हो जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत किसी भी दवा का उपयोग न करते हुए नेचुरल तरीके से हवा, मिट्टी, पानी, उपवास आदि के द्वारा उपचार दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से हम लोग कहेंगे कि प्रकृति की ओर ज़रूर चलें। एक बार कहा गया था कि वेदों की ओर लौटें और हम कह रहे हैं आपसे प्रकृति की ओर लौटें, क्योंकि जब हम प्रकृति से मिलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। वंदे मातरम।